गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आवर चैनल तो आज गाड़ी में देख के समझ में आ ही रहा होगा आपको कि हम लोग कहीं तो जा रहे हैं और कहीं तो जा रहे हैं और कहीं तो जा रहे हैं। तो आपको जो लास्ट ब्लॉग है उसमें हमने बताई दिया था जगह कि हम मैटजिंगन या उसके आसपास शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज हम लोगों को घर देखना है। सैटरडे है तो हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स ली थी, तो यहाँ अपॉइंटमेंट्स लेना ज़रूरी होता है घर देखने से पहले, राइट दीपक? 100%। तो कुछ कुछ जगह से हमें लकीली रिप्लाई आ गया, तो आज हम तीन घर देखने वाले हैं, है ना? तो हमने तीन घर देखने वाले हैं। तो हम तीन घर देखने वाले हैं। और दीपक, ये तीनों घर हमने कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं? ये इमोबिलियन स्काउट 24 करके वेबसाइट है, उसके थ्रू, कुछ ईबे के थ्रू ऐसे कनेक्ट किया। तो चलो आप लोगों को भी थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप्स में दिखा देंगे। प्लस आज बहुत ठंडा हो रहा है, एक्चुअली बहुत ठंडा हो रहा है, असली वाली ठंडी हो रही है। आज हम दोनों यही बात कर रहे थे, तो हम पूरा पैक हैं और शायद हम बाहर ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसीलिए गाड़ी में तो नहीं लग रियल फील। -16 -17 है यार, मतलब -16 -17 की हमें कहाँ आदत है भाई। सीरियसली यार, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। तो हम आप लोगों को ज्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे, ड्रोन भी नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि वो ग्लव्स पहन के नहीं उड़ा सकते, और बिना ग्लव्स के इस टाइम पे ड्रोन उड़ाना बहुत, मतलब दीपक के हाथ बहुत लाल हो जाएंगे एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो। तो कोशिश तो करेंगे ग्लव्स पहन के उड़ाने की, फिर भी हम पक्का नहीं बता सकते। और चलो फिर गाइस, थोड़ा हम बाहर दिखाते हैं क्योंकि आज फिर से बहुत ज़्यादा स्नोई हो रहा है बाहर, वाइट वाइट हो रहा है एकदम। और वहाँ पहुँचने के बाद जो हम घर हमने फाइनल करे हैं तीन, वो हम आपको दिखाएंगे। अपडेट ये है कि अभी हम लोग अप्रैल तक तो इस घर में रहने वाले हैं, तो वी हैव सम टाइम, तो हम ये टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइप का घर ढूँढने की लिए ट्राई करेंगे कि हमें जैसा घर चाहिए हम दोनों के हिसाब से। एंड हाँ, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप में से कोई अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, मैटजिंगन राइटलिंगन, और इनकेस आपको कोई अच्छे घर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। और उसके अलावा भी आप में से सब लोग प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना, एक लाइक छोड़ देना, बिकॉज उससे ना बहुत असर पड़ेगा मेरे वीडियोज़ को और दूसरी जगह रीच करने में, तो प्लीज़ वो कर देना। बाकी तो ये धूप देख के धोखा मत खाना क्योंकि ये देखो रोड पे जमी हुई है आइस, भयानक ठंड वाली, ये सफेद सफेद जो दिख रही है। तो बड़ा ट्रक नया किया उसने। हाँ, तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले ग्लेम्स अराउंड 5 किलोमीटर दूर है ना मैटजिंगन से, छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा। आई थिंक कितने घर होंगे दीपक उसमें, अपन ने देखा था ना मैप से, ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर होंगे। हाँ, 100 घर, बहुत ही छोटा है, पर उसमें बहुत अच्छे 2 घर हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं, तो वहाँ जाने वाले हैं। और देन उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट है जो कि 1 बजे की है, वो मैटजिंगन में ही है। तो 3 घर देखेंगे आज, एंड आप लोगों की भी हम लोगों को राय चाहिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है बेस्ड ऑन रेंट, इम्पॉर्टेंट है कि रेंट कितना है और भी सारी चीज़ें। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और अब बस एक दो सही टाइम पे पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। अपन लेट हो गए,
कितने बज गए? मतलब अपन ने कितने बजे की अपॉइंटमेंट ली थी? 10:30 तो 10:40 पे अपन पहुंचेंगे। और किसी का फोन आया है तो वो तो मुझे इंडिया वाले नंबर से। ओके, तो मतलब इट्स नॉट गुड अगर आप लेट पहुंचो, जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट लिए उसी टाइम पे जाना ज़रूरी है। पर यहाँ बहुत ज़्यादा रोड पे आइस जमी है तो बहुत संभल संभल के हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ रही है, बट स्टिल पहुँच गए। पहले लुक में ऐसा लग रहा है वो जो सपना था पहाड़ों में रहेंगे एक दिन, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब घर और देख ले, पर ये बहुत थोड़ी सी हाइट पर है एंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है एंड द बिग बिग पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। जस्ट पहुंच ही गए हैं, इधर दिख रहे हैं, है ना दी? यही है ग्लिम्प्स। स्विट्जरलैंड का छोटा वाला टाउन याद दिला रहा क्या है यार? विलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, घर भी अच्छा है, रेंट भी सही है, हमारे बजट में है। बस मुझे वो ये लग रहा है कि छोटा विलेज है और मतलब 4-5 किलोमीटर दूर ही है मेडजिंगन से, तो वैसे तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं गाड़ी से, सुपर मार्केट सब वहाँ है। लेकिन ऐसा लग रहा है बोर ना हो जाए कुछ दिन में कहीं, चलो और देख लेते हैं। वहाँ ऊपर देखो पहाड़ कितने। हाँ, दिखा रही हूँ। ट्रक ही ट्रक दिख रहे। तो दोस्तों ये दो घर हमने दिखाए आपको, जो एक छोटा सा विलेज है यहाँ पर, और आशा करते हैं आपको ये घर अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना इन दोनों में से कौन सा घर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं मेडजिंगन सिटी में, वहाँ पर एक घर और देखेंगे और शहर घूमेंगे। और ये हम लोग गाँव में घूम रहे थे और अब हम लोग शहर की जा रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। आपको ये दोनों घर में से कौन सा अच्छा लगा वो बताना, और हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइस।